आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल IPS इंस्टीट्यूट पर। और आज अपन बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का जो फायदा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अब अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये स्कीम क्या है, किन लोगों के लिए है और क्या इसके अपने को फायदे हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जो श्रीमान यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रारंभ की गई है, इसके अंदर क्या है कि अपना 10 लाख तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में अपना फ्री है। एक लिस्ट दी हुई है हॉस्पिटल्स की, जिसमें राजस्थान के ऑलमोस्ट सबसे बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी उसके अंदर शामिल है। यानी कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर ग्रसित होता है तो उस बीमारी में लगने वाले 10 लाख रुपए यानी कि वो अपने को गवर्नमेंट वहन करेगी। तो इसके बारे में सबसे बड़ा फायदा तो यही है। दूसरी बात अपन बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, 10 लाख तक का इलाज फ्री है, 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है। तीसरा इसका अपने को जो फायदा है वो है एक डिजिटल अपने को स्मार्टफोन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जिसके अंदर 3 साल की डाटा कनेक्टिविटी भी है। तो सबसे पहले मैंने आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के फायदे बता दिए, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो और उसमें अपने को 10 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है। और अब आप सोचोगे ये फायदा किन लोगों के लिए, तो जो अपने पास जन आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड में जितने भी नाम होते हैं उनमें से अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो 10 लाख तक का इलाज उसके अंदर फ्री है। अब अपने बात करते हैं ये किस प्रकार से अपने को इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या आवश्यक दस्तावेज है। तो अपने को एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, केवल जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड लेके अपने को अपने नजदीकी ई मित्र वाले के पास जाना है और वहां जाके अपने को ये रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कई लोगों के लिए तो बिल्कुल ये निःशुल्क है और कुछ लोगों के लिए ये मिनिमम जो प्राइस है उसके ऊपर ये है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना फ्री किसके लिए। तो जो अपने जिनके ये 2 रुपए किलो वाले गेहूं आते हैं, यानी कि NFSA में जो नाम जुड़े हुए हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जो संविदा कर्मी है उनके लिए भी ये निःशुल्क है। और इसके अलावा अपने जो लघु सीमांत कृषक है उनके लिए भी ये निःशुल्क है। इनको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। इनके लिए जो भी पैसे लगेंगे वो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो आपको केवल जन आधार कार्ड ई मित्र वाले पे लेके जाना है और ई मित्र से आभार रजिस्ट्रेशन करा के पॉलिसी ले लेनी है। और इसके बाद अपने को किसी भी प्रकार की बीमारी हो, नॉर्मल चेकअप हो, शरीर का जांच करवाना हो, एक्सरे हो, सर्जरी करवानी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो वो एक लिस्ट है हॉस्पिटल्स की, उसके अनुसार अपन जा सकते हैं और वहां पर बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं। 1 साल के अंदर 10 लाख तक का फ्री इलाज है। तो इसके अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां भी जिसमें शामिल की हुई है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज इसमें फ्री है। दूसरी अपन बात करते हैं जो व्यक्ति लघु सीमांत भी नहीं है, जिन जो NFSA में भी नहीं है, जो सेहत सूची 2011 में भी नहीं है, तो उनको 850 रुपए का एक बिल्कुल छोटा सा प्राइस देके रजिस्ट्रेशन करवाना है। 850 रुपए के शुल्क पर जन आधार कार्ड में जितने भी नाम शामिल हैं और उन सभी नामों को आप आने वाले एक साल तक 10 लाख तक का इलाज फ्री है, 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है और एक स्मार्टफोन फ्री है और 3 साल की डाटा कनेक्टिविटी फ्री है। कई लोग ये सोच के रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं कि 850 रुपये किस लिए देने। तो उन 850 रुपये तो मतलब अपने किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां अपन पंजीकरण कराते हैं बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, तो वो एक रसीद की भी फीस ले लेते हैं। देखने का बाद का खर्चा तो अलग होता है, उसके अलावा तो बहुत रुपए से वहीं कवर हो जाते हैं। एक नॉर्मल बीमारी होती है जुकाम, तो 850 तो वहीं कवर होगी। उसके अलावा अपने एक स्मार्टफोन दे रही है गवर्नमेंट, तो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये के आसपास का वो फोन होता है, डिजिटल फोन होता है, तो वो आपको मुफ्त मिलेगा। उससे भी बड़ी चीज है 3 साल की डेटा कनेक्टिविटी फ्री मिल रही है, यानी 3 साल में एक औसत आदमी 10 हज़ार का नेट खर्च कर देता है। तो 850 रुपए के तो कहीं आसपास भी नहीं है, उनकी अपने सोचना भी नहीं है। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं और 850 रुपए के शुल्क पर बाकी के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं तो ये स्कीम मोबाइल वाली जो है अपने को 31 मई से पहले पहले अपने को रजिस्ट्रेशन करना है। 31 मई 2022 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा के और इन चीजों का अपने को फायदा उठाना है। तो बीमारी के अंदर और कौन कौन से अपने को फायदे हैं, मतलब सर्जरी हो, पंजीकरण, बिस्तर, जो बेड अपन बुक कराते हैं वो सब उसके अंदर फ्री है। तो ये एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की और जो गरीब, आम आदमी, अमीर, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सबके लिए फायदेमंद है। तो मैं आपको यही कहूंगा 31 मई से पहले अपने नजदीकी ई मित्र के पास जाके और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा के और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं और अपने आड़ोसियों और पड़ोसियों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।